नहीं, इसको अष्टगंधक चंदन बोलते हैं। अष्टगंधक चंदन बस बस अंकल ज्यादा तो नहीं नहीं माई सन। चलो ये बंद करो, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। चलो तो वेलकम बैक टू अगेन विथ न्यू ब्लॉग, वेलकम टू मध्य प्रदेश। एंड जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग के अंदर बताया था कि अपन इंदौर जाएंगे, उज्जैन के अंदर मेरे हिसाब से 24 टेंपल्स होंगे। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि पहले उज्जैन को एक्सप्लोर करते हैं एंड माँ कालेश्वर का जो टेंपल है वो देखेंगे। और काफी ज्यादा सुना है माँ कालेश्वर के टेंपल के बारे में। ओके, तो कल नाइट को बैठे थे अपन 10 बजे, आपको पता है बस में तो नींद आती नहीं है, आधी अधूरी नींद आंखों में आपको दिख रही होगी, तो आधी अधूरी नींद पड़ी आंखों के अंदर। और अभी अपन उज्जैन पहुंचे। बाय द वे, यहां से इंदौर 50 किलोमीटर का फासला है। माँ कालेश्वर का जो टेंपल है वो यहां से मतलब 500 मीटर है, तो अभी फटाफट से यहां से जाएंगे, दर्शन करेंगे। मॉर्निंग का वक्त है, अभी देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ये भी अपने साथ में दोनों भाई कल नाइट को बैठे थे, ये देखो नींद अभी भी आंखों में है। फटाफट से चलते हैं माँ कालेश्वर, भोलेनाथ, शिव शंकर, जो भी बोलो उनके टेम्पल। जो उज्जैन का बस स्टैंड है और यहाँ से सीधा जा रहा है टेम्पल की तरफ। मार्केट जो है पूरा खाली खाली है। हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है, फुल धूप और फुल बराबर लगेगा। हाँ। तो मतलब ही नहीं रहेगा, मजा नहीं आएगा। ज्यादा तो अपन एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे उज्जैन सिटी को, अपन जा रहे हैं, मैंने आपको बताया महाकालेश्वर के टेंपल, वहां से अपन जाएंगे काल भैरव टेंपल। काल भैरव जो टेंपल है वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। मार्केट का सीन आप देख सकते हो, सुबह सुबह का नजारा, मार्केट ओपन हो रहा है मतलब धीरे धीरे। ये जो व्लॉग है इससे शुरुआत होती है अपने मध्य प्रदेश ट्रिप की। ट्रिप के कितने व्लॉग्स होते हैं और क्या क्या होता है वो सब कुछ आपके साथ में व्लॉग। थोड़ा ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एंड पता नहीं यार अब कैमरा लो होगा नहीं होगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा। अष्टगंधक चंदन है। हाँ ठीक, ये हल्दी रोजी तो अपन भी ट्राई करते हैं, काफी अच्छा लगेगा। नहीं, इसको अष्टगंधक चंदन बोलते हैं। एकदम ठंडा लग रहा है, मतलब अंकल की बात में दम है, सच बता रहे अंकल। बहुत अच्छी चीज है बेटा, ये महाकाल के दरबार में आए बड़े खुश होके जाएंगे। और भोला बंदा तो मैं बना दूंगा पूरा, तो बिल्कुल पूरा बनाऊंगा उस बात अंकल ज्यादा तो नहीं नहीं माई सन। क्या नाम है अंकल आपका? राजन सिंह। तुम्हें भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा करके पूरा लगा दिया, देखो हाथ धो पे वगैरह सब जगह। तो अभी चलते हैं फटाफट से एंड देखते हैं क्या सीन है। दीपक भाई फुल स्टोरी मेंशन की जा रही है यहाँ पे। ओ, वहाँ से है एंट्री महाकाल दर्शन की। हाँ जी, देखें कुछ नहीं, कपड़े वगैरह बस, कपड़े वगैरह ये बस अंकल कुछ नहीं जा पाएगा। बैग वैग कुछ भी अलाउ नहीं है, बैग यहाँ पे भाई कैरी करता है। यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता, वहाँ से वापस आने का रास्ता। सुबह सुबह का टाइम है और वेदर भी काफी अच्छा है, दर्शन हो रहा है तो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेन गेट है माँ कालेश्वर मंदिर, अंदर अलाउ होगा नहीं होगा पता नहीं। मास्क लगाना अनिवार्य है यहाँ पे, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया वहाँ पे वापस रिटर्न कर रहा है। अंदर एंट्री नहीं दी भैया ने, और मैंने वीडियोस दिखाई फिर जाके अंदर अलाउ किया, और वरना फोन वगैरह सब छीन लिया जा रहा था। यहाँ पे कोविड का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, मैं तो डर ही गया था बिल्कुल कि अब अंदर जाने देंगे नहीं देंगे। शिवलिंग आपको दिखी होगी शायद, अपन आ चुके हैं वापस बाहर। जैसे कि तुम
तुम देख सकते हो वहाँ पे शिवलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया भीड़ काफी ज्यादा, मॉर्निंग के टाइम पे भी काफी अच्छे से दर्शन हो चुके अपने। ये बाहर का सीन है और जैसे कि मैंने आपको बताया अंदर ज्यादा शूट करना अलाउ नहीं था, तो हो सका मैंने आपको दिखाया। टेंपल काफी ब्यूटीफुल है और वो रहा सामने मेन मंदिर, यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करवाई है मैंने। फटाफट से बाहर निकलते हैं, देखते हैं और भी टेंपल है तो उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली अपन वापस आ चुके हैं बाहर की तरफ, टाइम स्पेंड किया अपन ने अंदर, मुझे लग रहा है कि व्लॉग बड़ा हो रहा है। इंदौर भी अभी निकलना भी है तो जो भी है देखना पड़ेगा, वहाँ से जाके फॉलो। बाबा ये कोई नया है जो इस्ट्रा नेक्स्ट व्लॉग मिस मत करिएगा और व्लॉग पूरा देखा करो जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आवे। बोलो जय श्री महाकाल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री महाकाल।